नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, यहां पर एक न्यूज़ आर्टिकल में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक भर्ती परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम यहां पर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जानते भी होंगे, जिनको नहीं पता है तो यहां पर क्या पाठ्यक्रम है और क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जानी है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आएंगे और उसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये सारा का सारा पाठ्यक्रम इसमें दिया हुआ है, तो मैंने सोचा इस पर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी यहाँ पर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हो जाए। और दोस्तों, साथ में यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जो आपका इसमें समसामयिक जो घटनाएँ का पूछा जाना है, जो यानी कि जो आपका सामान्य ज्ञान और जो 30 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम पूछा जाना है, तो उसमें जो समसामयिक घटनाक्रम है उस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो जल्द ही बना दूंगा। तो आपका लगभग 6 महीने का पूरा वहां पर करंट में कवर कर दूंगा ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस है, इसका पूरा पाठ्यक्रम है क्या, क्या क्या यहाँ पर पूछा जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सारा बहुत अच्छे से दे दिया गया है इसमें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हिंदी भाषा में बताया गया है, भाषा में बताया गया है कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी व्याकरण एवं अपटेट गद्यांश और ग्रामर कंप्रिहेंसन, इतनी सारी इसमें चीज़ें पूछी जानी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पर विज्ञान है, तो विज्ञान में इनके द्वारा बताया गया है कि दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर स्वास्थ्य एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन और पदार्थ की अवस्थाएं, इतने सारे टॉपिक यहां पर विज्ञान के अंतर्गत पूछे जाने हैं। अगला टॉपिक यहां पर आता है गणित का, तो गणित में देखिए क्या क्या पूछा जाना है, अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत विभाज्य, गुणनखंड, एकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात और सर्व समीकाएँ, सामान्य ज्योतिष, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी, ये सारे प्रश्न यहाँ पर गणित से पूछे जाने हैं। अगला टॉपिक यहाँ पर जो पूछा जाना है वो है आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, तो इसमें से आपका पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर एवं जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण में पूछा जाना है। अगला आपका है शिक्षण कौशल, तो इसमें आपका पूछा जाना है शिक्षण की विविध एवं कौशल, विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगमन के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये आपका शिक्षण कौशल से सब्जेक्ट है। अगला आपका जो सब्जेक्ट है वो है मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें आपका है व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, पढ़ने के वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हैं। अगला आपका है सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, इसमें दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ समसामयिक, 30 नंबर का चैप्टर आपका होगा लगभग, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ समसामयिक घटनाएं नहीं हैं, यहाँ पर सामान्य ज्ञान भी है और साथ में समसामयिक घटनाएं भी हैं, ये दोनों चीज़ें मिलाकर यहाँ पर आपसे 30 नंबर की पूछी जानी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, समसामयिक घटनाएं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थल, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला, ये आपकी जो है यहाँ पर समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत पूछा जाना है। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये मैं आपको एग्जाम से पहले पूरा का पूरा कवर करवा दूंगा 6 मंथ का, ठीक है, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। अगला आपका कुछ यहाँ पर रीजनिंग से पूछा जाना है, रीजनिंग आप सभी को आता होगा, एनालॉजी, एसरटेंशन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्वालिफिकेशंस, क्लार्क एंड कैलेंडर, कोडेड इनइक्वलिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब, नंबर सीरीज, पजल्स, सिंबल्स एंड नोटेशन, वेन डायग्राम एंड डाइस, डेटा इंटरप्रिटेशन और डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शंस, इन्फेशंस, लेटर सीरीज, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसमें दोस्तों मैं बता दूं आपको
जो आपका क्लॉक और कैलेंडर वाला टॉपिक है और डाइस वाला टॉपिक है, इसको मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही विधिवत तरीके से, बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूँ, ताकि इसमें आपको दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाना है, सब्जेक्ट आपका सूचना तकनीकी सी, तो इसमें आपका शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षा तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, OIR, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। नेक्स्ट आपका जो अंतिम टॉपिक यहाँ पर है, तो उसमें पूछा जाना आपका जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिव्यक्ति, इसमें आपका पूछा जाना है व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षा की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय भूल, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर पूछे जाने हैं, और साथ में दोस्तों बता दूँ एक न्यूज आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, यहाँ का जो पेपर होगा आपका 150 मार्क्स का, यहाँ पर 150 क्वेश्चंस होंगे पेपर में, ठीक है, और शायद 150 मार्क्स का भी हुआ, प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक नंबर का यहाँ पर पूछा जाना है, और टोटल पेपर आपका 150 मार्क्स का यहाँ पर आने वाला है। तो इस तरह से कुछ इसकी व्यवस्था है, और इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर भाषा की, तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी को मिलाकर यहाँ पर 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर आपका पेपर का जो पाठ्यक्रम है, क्या क्या पूछा जाना है, सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप समसामयिक घटनाक्रम चाहते हैं, तो उसका वीडियो मैं जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, 2-3 दिनों के अंदर से वीडियो मैं प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को उसका वीडियो मिल जाए, और आपके एग्जाम तक सारा का सारा समसामयिक जो सामान्य ज्ञान है, समसामयिक घटना चक्र है करंट का, वो सारा का सारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। साथ में क्लॉक, कैलेंडर और डाइस का भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि उसमें भी बेसिक से बेसिक आपको समझ में आए और आपको उसमें दिक्कतें ना हो। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।